जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता। मोदी जी कहते मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी? मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं भारत रहे ना रहे, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए। भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, हिंदुस्तान को कितना बदनाम और अपमानित आप बाहर करोगे। अरे बड़ी मुश्किल से साहब नेता प्रतिपक्ष बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा है। चिंता की बात यह है कि ऐसा नेता जिनकी 10 साल केंद्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सीटें भी नहीं आई, कांग्रेस की एक बार 44 सीटें आई, एक बार 52 सीटें आई, और इस बार बड़ा ही जोर लगा लिया तो 98 सीटें आई। अरे खड़गे जी, ये तानाशाही मानसिकता छोड़ दीजिए। यह तानाशाही मानसिकता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, जो 98 सीटें पाकर कहते हैं कि 20 सीट और आ जाती तो हम ये कर देते। अरे 20 सीट और आती तब भी कुछ ना कर पाते। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनाई है। अरे चुनावों से पहले जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के कांग्रेस के सारे दलों की सीटें मिला लो, जो इंडी अलायंस है उसकी सीटें मिला भी लोगे तो इनकी सीटें 190 भी नहीं होती, 20 हो जाती तो भी क्या कर लेते, तब भी बाहर बैठ के वही करते। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता मेरे भाई और बहनों। सवाल मेरा यह है आपसे राहुल गांधी जी, आप विदेश गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर में गई, अमेरिका की सांसद एलान उमर वो उन लोगों के पैसे पे वहां पर गई और जाकर कहती है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दो राहुल गांधी, विदेश में तो वहां से ही जवाब दो। अरे भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अरे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, ऐसी सोच रखने वालों के साथ आप अमेरिका में जाकर जुड़ जाते हो, वहां जाकर हमारे सिख भाइयों का अपमान करते, उनकी पगड़ी का अपमान करते हो। 84 के दंगे राजीव गांधी जी के नाक तले हुए, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ। ना राजीव गांधी ने माफी मांगी, ना राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। मेरा सवाल आज इन परिवारवादों से यह है
कि हिंदुस्तान को कितना बदनाम और अपमानित आप बाहर करोगे। अरे बड़ी मुश्किल से आप नेता प्रतिपक्ष बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा है। और ये प्रोपोगेंडा भारत को बदनाम करने का लेके चल रहे हैं, ये प्रोपोगेंडा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाने का कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। आप देखिए नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आज जम्मू कश्मीर में जाकर क्या कहते हैं, जिन्होंने भारतीय संसद पर हमला किया कहते उनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला पहले कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब चुनाव लड़ने की तारीख तय कर दी, सीट तय कर दी, तो अब दो दो विधानसभाओं से जाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पता है एक से हार जाएंगे तो शायद दूसरी से बच जाएंगे, लेकिन अब इतने लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एक नहीं, चाहे चार सीटों से भी लड़ जाओगे, चारों की चारों पे ही जमानत जब्त तो होती पाओगे मेरे भाई और बहनों। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग वो हैं राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी, कान खोलकर सुन लीजिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी कहते मैं रहूं ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी, मैं रहूं ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं भारत रहे ना रहे मेरी कुर्सी रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए। कौन चाहिए भाई, भारत को रखने वाला चाहिए कि भारत को मिटाने की सोच रखने वाले चाहिए? कौन चाहिए? अगर भारत को रखने वाला चाहिए तो बोले भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के मंच पे अगर भारत माता की जय के नारे लग जाए तो रुकवा के कहते सोनिया गांधी की जय करो, भारत माता की मत करो। ये तो इनकी मानसिकता है। और यही नहीं, राहुल गांधी जी आप विदेश में जाके राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, और हम देश में रहकर देश के दुश्मनों का काम तमाम करते हैं भाई और बहन। आप देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देखिए, हमने आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी लाए, पथराबाजी की घटनाएं अगस्त 2019 के बाद शून्य रह गई, कोई पथराव की घटनाएं नहीं हुई। ये मोदी सरकार ने करके दिया है, अमित शाह जी के प्रयासों के कारण हुआ है। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी घटनाओं में हमारे सैनिकों का शहादत भी पहले से बहुत कम हुई। हमारा प्रयास है हमारे एक भी सैनिक की और एक भी नागरिक की जान न जाए, अभी हमने 70% कमी लाए हैं। आप हमारी सरकार बनाओ, आने वाले समय में हम आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी मेरे भाई और बहनों। भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने एक बात बड़ी गंभीरता के साथ करना चाहता हूं। ये देखिए, ये 1991 का कांग्रेस पार्टी का एडवर्टाइजमेंट मैनिफेस्टो है, उसकी एक फोटो है, यहां पे एक कैक्टस दिख रहा है, ये जो सुई की तरह छुपता है ना कैक्टस, वो वाला प्लांट है। और इसके साथ क्या लिखा है, विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। इसका मतलब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर राहुल गांधी के समय तक कांग्रेस पार्टी की एक ही मंशा है कि आरक्षण को जड़ से खत्म कर देंगे। ये इन्होंने इसीलिए इतने वर्षों तक वाल्मीकि समुदाय को उसके हक यहां पर नहीं दिए, जो पकड़कर लाए थे सफाई करने के लिए उनसे सफाई करवाई, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया, नौकरी का अच्छा अधिकार भी नहीं दिया। जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे, वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, उनको भी यहां पर उनके अधिकार नहीं मिले। जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, चाहे हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, उनको भी उनके हक इन्होंने दिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमने धारा 370 हटाकर हमने वाल्मीकि समुदाय को, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी, इन सबको इनके अधिकार दिए। पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों को भी इनके अधिकार दिए। और पहली बार है
कि हमारे इन भाइयों को अपने वोट का अधिकार भी मिलेगा और गुजर बकरवाल भाइयों को अब 9 सीटें विधानसभा में इनके एमएलए भी बनकर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाएंगे। ये हमारी सरकार ने की, लेकिन अब्दुल्ला और गांधी कहते हैं गुजर बकरवालों का आरक्षण छीन लेंगे, वाल्मीकियों का आरक्षण छीन लेंगे, पाकिस्तान कश्मीर से आए हुए लोगों को जो हक मिले वो भी छीन लेंगे। ये छीनने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मेरा हम सबसे निवेदन है जागिए, ये वही कांग्रेस है जो संविधान का बार बार संशोधन करती थी, जिसने संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया। अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया और कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस से बाहर कर दिया, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया, राजनीति से बाहर कर दिया और बाबा साहब अंबेडकर सदा धारा 370 को खत्म करना चाहते थे। कभी चाहते नहीं थे कि धारा 370 हो, लेकिन नेहरू जी ने आपको वो कष्ट दिया, धारा 370 लागू करके दिया है। और अब भी कांग्रेस की मानसिकता वही है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आज कांग्रेस की तानाशाही सोच अभी भी खत्म नहीं हुई मेरे साथियों। ये तानाशाही सोच को हम लगातार, जो कांग्रेस की तानाशाही सोच है जिससे आम जनता को कुचलने का काम किया, हम इस सोच को कभी वापस नहीं आने देंगे।